हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल रवि के मैथ्स में। तो अब हम करेंगे छठा प्रश्न, प्रश्नावली नंबर 13.4। अगर आपने पांचों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, आसान है, वीडियो को लास्ट तक देखो। अब छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। पांच कारों को नल से धुलाई करने के स्थान पर बाल्टी से धुलाई करने पर 10 लीटर पानी की बचत की जा सकती है, तो इस प्रकार 20 कारों की धुलाई करने में कितने लीटर पानी की बचत की जा सकती है। तो यहां पर तो लिखेंगे हम, देखो पांच कारों को नल से धुलाई करने पर, यहां पर तो लिखेंगे हम दोस्तों कारें, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे पानी। क्या लिखेंगे? पानी। अब देखो पांच कारें और पांच कारों को नल से धुलाई करने के स्थान पर बाल्टी से धुलाई करने पर 100 लीटर, तो पानी यहां लिखेंगे हम 100 लीटर। पांच कारों की धुलाई करने में 100 लीटर पानी, ठीक है। तो इस प्रकार 20 कारों की धुलाई, तो यहां पर होगी 20 कारें, इन 20 कारों की धुलाई करने में कितने लीटर पानी की बचत की जा सकती है। तो यहां पर पानी माना, इसके लिए हमें एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने पांचों क्वेश्चन में क्या किया था कि ऊपर से नीचे आना है, तीर को ऊपर से नीचे लाना है, तो तीर को लाए ऊपर से नीचे, ये होता है ऊपर वाला कम और नीचे वाला होता है ज्यादा, कम से ज्यादा। अब हमने पांचों क्वेश्चन में क्या किया था, इन दोनों का अनुपात, यानी कि 5:20 और बीच में निशान आता है समानुपात का, यह लगाया समानुपात का। अब देखो ये दोनों अनुपात में है, तो ये दोनों भी क्या होंगे अनुपात में, 100:x। अब क्या करना है आपको, मध्य पद, यह होता है बीच वाला पद, तो इसे कहते हैं हम मध्य पद, और यह होता है आपका बाह्य पद। कौन सा पद? बाह्य पद। तो सूत्र किस प्रकार बनेगा, देखो मध्य पद का गुणा बराबर बाह्य पद का गुणा, तो पहले हम कर लेते हैं बाह्य पद का गुणा, बाह्य पद का गुणा बराबर मध्य पद का गुणा। ये पांचों जो आपके क्वेश्चन हुए ना, सब में एक ही रहा है मध्य पद का गुणा, यानी कि सारे क्वेश्चनों में तरीका आपके 13.4 में इसी प्रकार का है सारे क्वेश्चनों में। अब देखो बाह्य पद, तो बाहर वाले पद कौन से हैं, 5:x, इन दोनों का गुणा करना है ना, तो गुणा कर दिया। उसके बाद देखो मध्य पद कौन से हैं आपके, 20:100, इतना हो गया। अब इस क्वेश्चन को मैं ले जा रहा हूं यहां पर, ये देखो 5:x बराबर 20:100। अब देखो हमें मान याद करना है सिर्फ और सिर्फ x का, तो इधर के साइड में 20:100 है, ये 5 इधर गुणा में है, बराबर की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो वो चेंज हो जाएंगे भाग में। अगर यहां पर गुणा में है तो इसको ले जाओ दूसरी साइड, ये हो गए गुणा में। अब देखो दोस्तों x का तो x, बराबर का बराबर, ये 5 × 5, 5 × 20, यानी कि 5 का पाड़ा बोलो 20 में 4 बार चला जाएगा। अब 4 को क्या करना है आपको, 100 से गुणा कर देना है, कितने से गुणा, 100 से गुणा, तो कितना आएगा 5 × 4 = 100, तो कितना लीटर आया, यहां पर 100 लीटर था तो यहां पर कितना लीटर आया, 400 लीटर। x का मान निकाल लिया, x का मान निकालना था जो कि हमने 400 लीटर निकाल लिया। बताओ कितने पानी की बचत की जा सकती है, 400 लीटर 20 कारों की धुलाई में, तो नीचे यहां पर लिख देना 20 कारों की धुलाई में, धुलाई में 400 लीटर पानी की बचत की जा सकती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका सिंपल और आसान तरीके का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।